नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, अंबाला में 2 एकड़ से भी ज्यादा जमीन पर बनेगा इलेक्ट्रिक बस डिपो, मिलेगी ये हाईटेक सुविधाएं। करोड़ों रुपए की लागत से शहर में स्थापित सुषमा स्वराज बस अड्डा परिसर के साथ ही खाली पड़ी 2.47 एकड़ जमीन में अब अत्याधुनिक सुविधाओं से संपन्न नया बस अड्डा तैयार होगा। लेकिन इस बस अड्डे में सामान्य बसों के बजाय इलेक्ट्रिक बसें खड़ी होंगी। 2 मंजिला भवन के अलावा यहीं पर इलेक्ट्रिक बस डिपो बनाया जाएगा। इस डिपो को स्थापित करने के लिए यहां पर अलग से पावर स्टेशन स्थापित होगा ताकि इलेक्ट्रिक बसों की चार्जिंग में कोई बाधा ना हो। इसके लिए स्पेशल हॉट लाइन की व्यवस्था की जाएगी। इस व्यवस्था पर कुल 11.95 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। वीरवार को इसका टेंडर नोटिस जारी कर दिया गया है और 11 जुलाई को टेंडर बिड ओपन होगी। टेंडर जारी होने के बाद टेंडर ठेकेदार 8 महीने के भीतर इसका कार्य पूरा करेंगे। लिहाजा सब कुछ ठीक रहा तो वर्ष 2025 फरवरी मार्च तक यह इलेक्ट्रिक बस अड्डा और डिपो जनता के लिए समर्पित कर दिया जाएगा। इस बस डिपो के चारों ओर फुटपाथ की भी व्यवस्था की जाएगी। इस 2 मंजिला भवन और 2.47 एकड़ में इलेक्ट्रिक बसों की एक वर्कशॉप तैयार की जाएगी। इसमें चार्जिंग स्टेशन होगा जिसमें एक समय में 17 बसें चार्ज हो सकेंगी। कुल 40 बसों की इस बस अड्डे में एक साथ खड़े करने की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा वर्कशॉप में ऑपरेशन एंड कंट्रोल रूम भी स्थापित किया जाएगा। इतना ही नहीं, इसमें टिकट एंड कैश रूम, विंडो काउंटर के साथ साथ लिफ्ट की भी व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ एक कंप्यूटर रूम भी इसमें बनाया जाएगा। इसी तरह सामान बस अड्डे की तरह इसमें प्रशासनिक ब्लॉक भी बनाया जाएगा। इस डिपो का अलग से अपना पंप हाउस होगा और बसों की निकासी के साथ प्रवेश द्वार दोनों अलग अलग होंगे। इस बस अड्डे के चारों ओर ग्रीन बेल्ट स्थापित की जाएगी। इतना ही नहीं, पानी की निकासी के लिए नाले का निर्माण किया जाएगा ताकि बसों की वॉशिंग के बाद निकासी की समस्या आड़े ना आ सके। इसी तरह पानी की व्यवस्था के लिए 2 लाख लीटर टैंक की व्यवस्था की जाएगी। इतना ही नहीं, फायर टैंक भी इस इलेक्ट्रिक बस डिपो में स्थापित किया जाएगा ताकि किसी भी विकट परिस्थिति से निपटने में कर्मचारी स्वयं सक्षम हो। इसी तरह से बस स्टैंड के 2 छोर पर हार्वेस्टिंग पिट बनाए जाएंगे ताकि पानी की बर्बादी ना हो और पानी को संरक्षित किया जा सके। तो जी हाँ, ये बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। इसमें बताया गया है जुलाई के पहले सप्ताह में आ जाएंगी 5 बसें। बड़ी खबर है। लगातार अपडेट रहने के लिए चैनल से जुड़े रहे।